चलो समझिए, देखो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बाबू, रोमन न्यूमरल्स पढ़ रहे हैं ना। ठीक, तो रोमन न्यूमरल्स ने आपको क्या बताए थे कल? कुछ रूल बताए थे है ना, तरीका बताए थे कि कोई भी रोमन न्यूमरल्स बाबू तो 3 से ज्यादा बार रिपीट नहीं करेंगे है ना। छोटा छोटा सिंबल लेफ्ट साइड रहेगा तो सब्ट्रैक्ट होगा, राइट साइड रहेगा तो ऐड होगा। तो 6 6 रूल्स बताए थे है ना। ये आपका नेक्स्ट रूल्स है, ये इंपॉर्टेंट रूल्स है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको शांति से सुनना समझना। 7th नंबर रूल्स आपको क्या कहता है बाबू रोमन न्यूमरल्स का? ये मेरा ये बोलता है बाबू कि किसी भी रोमन नंबर पे अगर ऊपर से एक लाइन ड्रा कर देते हो, जिसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, बार पढ़ेंगे, किसी भी नो रोमन न्यूमरल्स, देखो ये क्या है रोमन, उस पर एक लाइन ड्रा किया हुआ, यहाँ भी एक लाइन ड्रा किया हुआ, यहाँ भी एक लाइन ड्रा किया हुआ, जितने भी रोमन न्यूमरल्स है वो उस पर क्या है, सारे पे एक लाइन ड्रा किया हुआ। अरे शैतान, अभी कौन सा ब्लर आ रहा बाबू, सारा लाइट उठ सब तो सिर्फ ठीक है बाबू। ठीक, नेक्स्ट बाबू, तो किसी रोमन न्यूमरल्स पे बाबू अगर आप एक क्या ड्रा कर देते हो, लाइन ड्रा कर देते हो, ठीक, तो जो रोमन न्यूमरल्स का वैल्यू होता है वह 1000 टाइम्स क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है ना। आप लोग स्कूल में पढ़िएगा, नहीं कोई बताएगा है ना, हम लोग ये कॉन्सेप्ट क्लास कंसेप्ट सीखेंगे, तो उसी बात को इंग्लिश में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है सर? इफ बाबू बार इज ड्रॉन ऑन एनी रोमन न्यूमरल्स देन इट्स वैल्यू विल बी इंक्रीज बाय 1000 टाइम्स है ना। जैसे क्या, समझो शांति से, 1 का मतलब क्या होता है, 1 का i का मतलब क्या होता है, 1 होता, ठीक। अब आई पे बार ड्रा कर दिया, लिख के बताते हैं, लिख के समझाते हैं, ये तो लिखा हुआ ना, इसी चीज को लिख के समझो समझाते हैं, अच्छे से समझ जाओगे है ना, अच्छे से समझ जाओ। जैसे आई का मतलब क्या होता है सर, 1 होता, बाद में लिखना था जी, ठीक, इसी बात को आपको हम लिख के समझा रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए है ना। अरे बाबू आर्यन, वीडियो ऑन करो जी, बाबू इधर देखो आर्यन, ठीक, ये आई का मतलब क्या होता है, 1 होता। कम से कम 1 से 50 तक सारे बच्चे को रोमन न्यूमरल्स याद है ना जी, बाकी आगे हम लिखाएंगे, अब रूल खत्म होगा उसके बाद हम आपको लिखाएंगे रोमन न्यूमरल सारे का लिखाएंगे है ना। आई का मतलब क्या होता है, 1 होता, इस पे एक ऊपर से लाइन ड्रा कर दो। तो अब ये आई क्या था, 1 था, लाइन ड्रा किया मतलब 1000 गुना क्या होगा, बढ़ जाएगा, तो 1 मल्टीप्लाई 1000 कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, ठीक। जैसे बाबू 2 गो हो गया, ये कितना है, 2 है, ये डबल आई है ना, तो कितना है, 2 है, इस पे क्या करो, एक लाइन ड्रा कर दो है ना। तो जैसे एक लाइन ड्रा कर दोगे तो अब ये कितना हो गया, 1000 गुना बढ़ गया, मतलब अब कितना हो गया, 2। हाँ बाबू, सर मैं पानी पीने जाऊं, अरे शैतान 10 मिनट बाद पी लेना बाबू, पढ़ो पहले, छूट जाएगा, पहले पढ़ो तो स्लाइड को क्या टू करेंगे? बार, इसको पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, बार पढ़ते हैं, बार पढ़ते हैं, बार पढ़ते हैं, ठीक है। तो आपको कोई कहेगा 2000 का रोमन न्यूमरल्स क्या होता है, कुछ नहीं करना, 2000 का कहेगा तो 2 लिख देना, ये 2 हो गया, इस पे एक लाइन ड्रा कर देना, तो ये 2000 हो गया। कहेगा 3000 का रोमन न्यूमरल्स, तो कुछ मत करना, 3 लिख देना, 3 हम लोग ऐसे लिखते हैं, तो ये 3 है, ये कितना है, 3 हो गया। 1000 कोई पूछेगा ना, तो 3000 का कैसे ड्रा करोगे, एक ऊपर एक लाइन खींच दो, तो अब 1000 गुना ये क्या हो गया, बढ़ गया, तो ये 3000 का रोमन न्यूमरल्स हो गया है ना, ये 3000 का रोमन न्यूमरल्स हो गया, ठीक। नेक्स्ट कोई बोलेगा 4000 का रोमन न्यूमरल्स, किसका बोलेगा, 4000 का, तो 4000 का कैसे लिखोगे, 4 लिखोगे और इस पे क्या कर दो, लाइन ड्रा कर दो, मतलब 4 का कैसे लिखेंगे, आई भी क्या होता, 4 होता, 1000 टाइम्स क्या करना, बढ़ाना है, तो इस पे एक बार ड्रा कर दो, एक क्या कर दो, लाइन ड्रा कर दो, तब 4 मल्टीप्लाई कितना, 1000 कितना हो जाएगा, 4000 हो जाएगा, ठीक। तो ये 4000 का, कोई पूछेगा 5000 का रोमन न्यूमरल्स बताओ है ना, कोई कहेगा 5000 का, 5000 का बताओ, तो मेरा बच्चा डरेगा, काले मेरा बच्चा डरेगा, 5000 का रोमन न्यूमरल्स बोले तो खुशी खुशी बताएगा है ना, क्या करेगा, एगो भी दे देगा, भी का मतलब क्या होता है, 5 हो जाता है, भी का मतलब कितना होता है, 5 हो जाता है ना, और कहेगा 5000 का, तो कुछ करेगा, एगो ऊपर से लाइन डला कर देगा, तो 5 × 1000 कितना हो जाएगा, 5000 हो जाएगा, 5000 हो जाएगा। कोई पूछ देगा 6000 का रोमन न्यूमरल्स कितना होगा, तो मेरा बच्चा नहीं डरेगा, क्या करेगा, 6 लिख लेगा, तो भी आई क्या हो गया, 6 हो गया, और इस पे क्या करेगा, एक ऐसे करके लाइन ड्रा कर देगा है ना, तो ये कितना हो गया, 6000 हो गया, 6 मल्टीप्लाई 1000 कितना हो जाएगा, 6000 हो गया है ना, है ना। कोई पूछेगा 7000 का रोमन न्यूमरल्स, तो 7000 में क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, 7 लिख लेगा बच्चा सा, आएगा ऊपर से क्या करेगा, लाइन ड्रा कर देगा, तो ये 7 हो गया, लाइन ड्रा करोगे तो 1000 हो जाएगा,
तो 7 × 1000 कितना हो जाएगा, 7000 हो जाएगा, 7000 हो जाएगा ना, 7000 हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो यहाँ 8000 का कहेगा, तो बच्चा कहाँ लेटर रहेगा, 8 लिख लेगा, बच्चा क्या करेगा 8 लिख लेगा, ठीक, और उस पर क्या कर देगा, उस पर क्या करेगा, एक लाइन ड्रा कर लेगा, एक क्या करेगा, लाइन ड्रा कर लेगा, लाइन ड्रा कर लेगा, तो कितना हो गया 8000 हो गया, है ना, 8000 हो गया। हो गया सनविका बाबू कनेक्ट, बाबू सनविका नेटवर्क डाटा इसका खत्म हो गया। यस सर, सर नेटवर्क डाटा खत्म हो था बाबू। यस सर। तो डाटा बाबू बचा के सेव, डाटा सेव लाइफ बाबू, थोड़ा बहुत डाटा नहीं बचाओ, कम से कम बाबू 700-800 MB बचा के रखे। अब डाटा खत्म हो जाएगा तो दिन भर देख देख के खत्म करोगे, है ना। सर मैं टीवी देखती हूँ बस। आप खाली टीवी देखती हो, मोबाइल नहीं देखती हो? नो सर, मैं कभी कभी शादी में या फिर कहीं और जाती हूँ तो थोड़ा देखती हूँ। अच्छी बात है ना। तो सेव डाटा बाबू, पहले हम लोग का क्या था लोगो बाबू, है ना, सेव वाटर सेव लाइफ, अब क्या आ गया, सेव वाटर सेव डाटा सेव लाइफ, है ना। डाटा बचाओगे क्लास होगा, है ना, तब आपका लाइफ अच्छे से गुजरेगा, है ना। सर आपने इससे पहले और कुछ लिखवाया है? नहीं बाबू, ये फर्स्ट पेज है जो आपको हम स्क्रीनशॉट लेके भेज दिए हैं, ठीक है। ओके थैंक यू सर। सर मैं भी जितना हो पाएगा कर लेती हूँ। अच्छा चलो ठीक है, पहले समझो बाबू, बाद में लिख लीजिएगा, लिखा हुआ है ना, बाद में लिख लीजिएगा, पहले समझिए। देखो बाबू, हम आपको क्या पढ़ा रहे बाबू, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000 का रोमन न्यूमरल्स लिखने के लिए। तो कैसे लिखेंगे सर, तो कहेगा 1000 का रोमन न्यूमरल्स। क्या बाबू आप 8000 का नहीं लिखे, बस 7000 तक लिखे। अच्छा ठीक है, ठीक, शांति से समझो, ठीक है, दीजिए। ठीक, जैसे बाबू आपको क्या कहेगा भोला मेरा सनविका, है ना, जैसे बाबू आपको कहेगा 2000 का रोमन न्यूमरल्स लिखने के लिए, तो कैसे लिखेंगे सनविका, कुछ मत करना, शांति से सुनो बाबू, लेट कितन बाबू, एक ही चीज को दो दो बार बताना पड़ता, देखो कुछ मत करना आपको बाबू, 1 से 50 तक के रोमन न्यूमरल्स आता है ना, तो कुछ मत करना। जैसे कोई कहेगा 2000 का रोमन न्यूमरल्स लिखने का, तो 2000 में पहले 2 का लिख लेना, ये डबल आई क्या होता है, 2 होता है ना, और कहेगा 1000 लिखने के लिए, तो इस पे क्या कर देना, एक लाइन ड्रा कर देना, तो उसी को इंग्लिश में लिखा है, क्या लिखा है, इंग्लिश में लिखा है, इफ बार इज ड्रॉन बाबू ऑन एनी रोमन न्यूमरल्स बाबू, देन इट्स वैल्यू भी इंक्रीज बाय कितना, 1000 टाइम्स, मतलब ये 2 है सर, इस पे एक बार एक लाइन ऊपर से ड्रा कर दो तो कितना हो जाएगा, 1000, अरे सेकंड, 1000 टाइम्स बढ़ जाए, ब्लर कहां से आएगा जी, 1000 टाइम्स क्या बढ़ जाए। नेक्स्ट, जैसे बाबू कहेगा अरे सेता नहीं क्लियर दिख रहा है सनविका बाबू, सर क्लियर है, चलो ठीक है बाबू। नेक्स्ट दो, जैसे बाबू कोई आपसे पूछे बाबू कि 3000 का रोमन न्यूमरल्स बताओ, तो कैसे लिखेगी, कुछ नहीं करना, 3000 में 3 लिखना, ये 3 हो गया, 3 को आई दोगे 3 हो गया, इस पे एक ऊपर से लाइन ड्रा कर दो, तो कितना हो जाएगा, 3000 हो जाएगा, ये 3 × 1000 कितना हो जाएगा, 3000 हो जाएगा, 3000 हो जाएगा। कोई सनविका बोलेगी बाबू कि 4000 का रोमन बताओ, तो कैसे लिखोगे, कुछ मत लिखना, 4000 में क्या लिखना, 4 लिखना, 4 हो गया, है ना, आइस पे ऊपर से एक लाइन ड्रा कर देना। ऐसे फिर से कनेक्ट करो, अच्छा बिना फिर से कनेक्ट करो, ये नीचे से भी लाइन मत ड्रा करना, गलत हो जाएगा, एक ही लाइन ड्रा करना, क्या करना, एक ही लाइन ड्रा करना, ठीक, तो 4 हो गया, उस पे बार ड्रा कर दोगे तो कितना हो गया, 4000 हो गया, कितना हो गया, 4000। कोई कहेगा 5000 का बताओ, तो कैसे करोगे, पहले 5 लिख लेना, 5 लिख लेना, इस पे एक लाइन ड्रा कर दो, तो ये 5000 हो गया। कोई बोलेगा 6000 का बताओ, तो कैसे करोगे, 6 लिख लेना और एक लाइन ड्रा कर देना, तो 6000 हो गया। कोई बोलेगा 7000 का, तो 7 लिख लो, तो 7 का भी आया, एक ऊपर से लाइन ड्रा कर दो, 7000 हो गया, है ना। तो बार जब भी, ये लाइन जब भी ऊपर एक ड्रा करते, इसको हम लोग क्या कहते हैं, बार कहते हैं, तो कितना गुना, 1000 टाइम्स क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, जो भी वैल्यू आता है वो 1000 टाइम्स क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। जैसे यहाँ 8 लिखा हुआ, तो 8 पे बार दिया, मतलब 8000 हो गया, ठीक। आगे हम लोग और पढ़ेंगे इसमें नेक्स्ट बाबू। जैसे कोई कहेगा 9000 का रोमन न्यूमरल्स लिखने के लिए, तो 9000 का कैसे लिखेंगे सर, तो पहले 9 का लिख लेंगे सर, और उस पर क्या करेंगे, बार ड्रा कर देंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे, 9 का लिख लेंगे, 9000 में क्या करेंगे, पहले 9 का लिख लेंगे, है ना, कितना नंबर, 9 नंबर, है ना। नेक्स्ट हो कहेगा 9000 का, तो 9 लिख लो, ठीक, हाँ सर, तो कितना है सर, 9 है, आई एक्स क्या है, 9 है, इस पे को लाइन ड्रा कर दो, तो हो गया 1000 गुना बढ़ गया, कितना बढ़ गया, 1000, मतलब क्या हो गया, 9000 हो गया।
कोई कहेगा 10,000 का, तो कोई से कुछ नहीं करेंगे, x लिख लो है ना, इस पे बार दे दो, x का मतलब कितना सर 10 सर, x का मतलब 10, इस पे बार दे दो, तो 1000 गुना बढ़ गया मल्टीप्लाई 1000 इक्वल टू 10,000 है ना, ठीक। नेक्स्ट बाबू कोई कहेगा 11,000 का, तो बच्चा मेरा डरेगा, काहे डरेगा, नहीं डरेगा कि नहीं सनविका, नहीं ना डरोगे भले, चल गई जी। कैसे 11,000 का कैसे लिखोगे सनविका, 11 लिख लो, 11 हो गया, इस पे क्या चढ़ा दे, इसका बार देखो मेरा बच्चा तुरंत तेज हो गया, एक मिनट में तेज हो जाता, 11,000 हो गया। कोई एक से बोलेगा 12,000 का, तो मेरा बच्चा काले डरेगा, 12 लिखेगा, इसके ऊपर क्या कर देगा, बार देखो तो बच्चा तुरंत तेज हो जाता, कितना हो गया 12,000 हो गया है ना। हाँ एकदम आसान है, तो यही तो अभी पहले पूछे थे तो नहीं आसान था, अभी आसान लग रहा, और 10 मिनट पहले पूछे कि 5,000 का कितना होगा था, टफ लग रहा था। नेक्स्ट बाबू कोई बोलेगा 15 है ना, अभी कर लेते हैं, कोई 13,000 बोले मैंने 13,000, तो 13 लिख लेंगे, आइस के ऊपर लाइन हो गया। कुछ है बाबू, खाली सब स्कूल में पढ़ाया नहीं जाता आप लोग के, स्कूल में 500 तक बता के छोड़ दिया जाता है ना बाबू। नेक्स्ट बाबू सर कोई ये कितना हो गया 14,000 हो गया है ना। नेक्स्ट बाबू कोई कहेगा 15,000 सर, तो मेरा बच्चा काले डरेगा, 15 हो गया बाबू, बार दे देंगे तो 15,000 हो गया, कितना हो गया 15,000। कोई बोलेगा 20,000 सर, तो मेरा बच्चा डरेगा, नहीं डरेगा, दो गो एक्स दे देगा 20 हो जाएगा, इस पे बार दे देगा तो कितना हो जाएगा 20,000 हो जाएगा है ना, कितना हो जाएगा 20,000 हो जाएगा। कोई बोलेगा 5 है ना बाबू, 20,000 हो गया है ना, 30,000 कहेगा तो मेरा बच्चा डरेगा, नहीं डरेगा, 7 नंबर 3x लगा के उसमें बार लगा देना है। हो गया अब तेज हो गया कि नहीं भोले, हाँ भोले, चलो ठीक है अब आप लोग तेज बन गया, लिखो लिखो राइट डाउन कीजिए बाबू, एक पे छोड़ के राइट डाउन करो सनविका है ना, वो एक पे जाएगा, समझी दुर्गा, आसान है दुर्गा। यस सर। समझा नहीं राज अंकुश? यस सर। चलो अब हम लोग रोमन न्यूमरल्स कैसे लिखेंगे वो सीखते हैं, और अज्ञा देखो तो बाबू छत पर बैठ के पढ़ रही है, यही तो जिंदगी, हवा भी खा रही है बाहर गया देखो तो हम हवा खा रही है बाबू है ना, उसका बाल उड़ रहा है हवा में, नहीं पंखा होगा उसके सामने, अच्छा पंखा है, हो भी सकता बाबू, अच्छा ये सब का बच्चे तो तुरंत, हाँ बोलिए सर। वैसे हमको 38 का ये रोमन नंबर्स नहीं आता है सर, यहाँ पे हवा भी चल रहा है। अच्छा हवा भी, हम सब बताएंगे, सारा बताएंगे, समझाते सिखाते हैं, अब रोमन नंबर से 38 का 111 और बी आई होगा, बता रहे हैं बता रहे हैं बता रहे हैं, टेंशन मत लो, हो गया भी 3i वापस हो गया, ठीक है वेरी गुड, समझा रही हैं हम सर, कुछ अभी आपको लिखने ला बताएंगे तब ना, अभी एक से लिखने ला बताते हैं, एक से पहले 100 तक हम लोग रोमन न्यूमरल्स कंटिन्यूअस लिखेंगे सर, प्लान आने लगा, ये था आपका रूल है, ये रूल है ठीक है ना, सर मैं पानी पीने जाऊं, आप पी लो जल्दी, पी लो आप पी लीजिए सर, आप बोलिए सर 400 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सारा हम बता रहे हैं बहुत सारा बता रहे हैं, टेंशन क्यों ले रहे हो, एक से बस स्टार्ट कर रहे हैं ना, अब एक को कैसे लिखेंगे, दूसरे दो को कैसे, एक से अब स्टार्ट करेंगे, ये आपका थ्योरी था, इतना क्या था थ्योरी था, हम लोग 400 का 444 का सब लिखेंगे सीखेंगे सर, ये थ्योरी का मतलब क्या होता है, ये कंसेप्ट था ठीक है ना, कंसेप्ट आप समझो, रूल थे, नियम थे, जानते हैं मैं अपने स्कूल का 4 क्लास का
एक भैया से बुक लिया, इतना इजी था, इतना इजी था कि पूछिए मत। जल्दी लिखो बाबू। सर इतना आसान, सर इतना आसान नहीं बताते हैं। इतना आसान है फिर भी स्कूल में नहीं बताते हैं? यस सर। बताइए बाबू। अभी बहुत चीज सीखिएगा है ना। सर इसे एक क्वेश्चन बनाने दीजिए ना हमें। सही। अच्छा देंगे 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 सारा क्वेश्चन। पहले सीखो ना लिखने के लिए। कथा इतना आसान था। जल्दी लिखो। समझ जाएंगे। बस बस 100 तक हुआ है, बस 100 तक। अच्छा ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग दे बाबू है ना। राइट द रोमन न्यूमरल्स बाबू है ना। बाबू लिख ली सनविका? लिखा रही है बाबू? जल्दी लिखो, जल्दी लिखे, जल्दी लिखे, थोड़ा फास्ट लिखे। और डाटा बचा के रखो बाबू, तब ना क्लास है। आज आप 10-20 मिनट लेट ना हो गए बाबू, हमको भी आपके लिए रुकना पड़ा। भोली सेव डाटा सेव लाइफ। सब ब्लर हो रहा है, फिर उसका वीडियो बंद। सनविका बाबू कॉल आ गया जी कि डाटा खत्म कर दी बाबू। क्या सर? वीडियो बंद हो गया सनविका? ली गई थी ये, मैं पापा के मोबाइल से कर रही हूँ ना। चलो ठीक है। मोबाइल में बाबू आप जूम ऐप के सिवा कुछ भी खोलोगे ना तो हमको इधर पता चल जाएगा। आप अभी यूट्यूब खोलोगे, व्हाट्सएप खोलोगे, सारा सिस्टम है, पता चल जाएगा। इसीलिए बाबू ऐप को एस्केप नहीं करना। नेक्स्ट बाबू रोमन न्यूमरल्स ऑफ द गिवन नंबर, ऐसे हेडिंग देंगे बाबू है ना। राइट डाउन द रोमन न्यूमरल्स अब हम लोग कैसे लिखेंगे बाबू रोमन न्यूमरल्स वो बता रहे हैं। राइट डाउन द बाबू रोमन न्यूमरल्स ऑफ द गिवन नंबर। बल्लार बाबू आपका नेटवर्क खराब आ गया इसीलिए बल्लार आ रहा, कोई बात नहीं। जैसे क्या बाबू? इधर हम लोग नंबर्स लिखते हैं, हिंदी अरेबिक नंबर 1, 2, 3 लिखेंगे। इसको हम लोग क्या कहते हैं? हिंदी अरेबिक नंबर्स कहते हैं ना, हिंदी अरेबिक नंबर। इधर हेडिंग देंगे रोमन न्यूमरल्स। वन है हिंदी में, वन है इसका रोमन न्यूमरल्स क्या होगा? आई होगा। अब आपको कैसे लिखेंगे वो सिखाते थे। 1 से 100 तक के कंटिन्यूअस करो, उसके बाद हम लोग थोड़ा थोड़ा स्किप करेंगे। पहले 1 से 100 तक के कंटिन्यूअस लिखना। सर आप अभी 100 सिखाएंगे। कैसे लिखो, कैसे रोमन न्यूमरल्स लिखोगे वो सीखो। वन को एक आई, टू को डबल आई, थ्री को थ्री आई है ना। ये लगभग 3 से 4 क्लास का है बाबू रोमन न्यूमरल्स। 4 को आई भी, 5 को हम लोग भी होगा है ना। तो 5 में स्टार मारो, जहां जहां सिंबल चेंज होगा उसको स्टार मार लेना है ना। जैसे 5 का एक स्पेशल सिंबल है ना जी, तो भी हो गया। ठीक दीजिए। आपने फोर पे वो साइन मारा कि 5 पर? अरे 5 पे जहाँ पे चेंज हो रहा है, 5 पे, 5 का एक स्पेशल सिंबल है ना अभी। 6 का भी है। तो 1 पे भी लगेगा, तो 1 पे भी लगेगा, वो भी तो स्पेशल सिंबल है। अच्छा ठीक है, 1 पे भी मारो भी आई। 1 पे भी लगा दीजिएगा। 8 का भी डी भी ट्रिपल आई, 9 का आई एक्स ठीक, और 10 का एक्स हो जाएगा। ये भी 10 भी स्पेशल है ना।
और ऐसे मत लिखना बाबू, ऊपर 12 नीचे 12 मत देना, ठीक है ना, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। ऊपर भी देना नीचे, इसको क्लोज मत करो, ओपन करके ही लिखो। कुछ एक्स्ट्रा अपने ढंग से इसमें पेंटिंग डेंटिंग मत करो, बहुत सारे ऊपर भी लगा देता ऐसे भी लगा, गलत नहीं होता लेकिन अच्छा नहीं लगता है ना, वो पुराना हो गया, ओल्ड सिस्टम हो गया। ठीक, 11 बाबू, 11 का क्या होता है, एक्स आई होता है, 12 का एक्स आई आई, 13 का एक्स ट्रिपल आई। जल्दी से लिखते चलो, 100 तक बाबू, जल्दी लिखो बाबू। तीन चार क्लास लगेंगे, आज दूसरा क्लास है, दो क्लास और लगेगा, दो तीन गो और लगेगा। इसके बाद जिंदगी में आपको कभी भी रोमन न्यूमरल्स पढ़ना नहीं है, एक बार पढ़ो खत्म करो। 14 आप लोग कंटिन्यू नीचे करते चलो। 14 का कितना होता है, एक्स आई भी होगा, 15 का एक्स भी होता है। जानती हो शरण्या कि नहीं जानती बाबू? शरण्या सर जानती हो? कहाँ तक जानती हो? 10 तक ही जानती हो, तो ये ध्यान रखना बाबू। 10, 10 होता है, 11 में 10 और 1 11, 12 को कैसे लिखोगे, 10 प्लस 2, तो 10 आप 1, 1, 2 हो गया। 13 को 10 प्लस 3, तो 10 हो गया, 3 को आई 13 हो गया। 14 को कैसे, 10 प्लस 4, 10 प्लस 4, तो 10 हो गया, 4 को ये लिखोगे। 15 को कैसे लिखोगे, 10 प्लस 5, जैसे मान लो 16 को लिखोगे, कैसे लिखोगे, 10 प्लस 6 करोगे। 16 को लिखना है तो कैसे करेंगे, 10 प्लस 6 करेंगे, हमको लगा जानते थे। 10 का सिंबल क्या होता सर, x होता, और 6 का क्या होगा शरण्या सर, vi, तो 10 का हो गया ये x हो गया, 6 का vi, तो xvi, तो ये 16 हो गया आपका, क्या हो गया, xvi हो गया। 17 को कैसे लिखोगे, 10 प्लस 17, तो 10 का कितना लिखोगी, xvi x। 7 का क्या लिखोगे, vii। 18 को कैसे लिखोगे, 10 प्लस 8 के रूप में, xvii। आप कहाँ तक जानती हो सनविका बाबू? सर मुझे 100 तक आता है। चलो ठीक है, तो 100 तक कंटिन्यू करो। 18 को 10 प्लस 8, 10 का x, 18 को vii। 19 है, तो 19 को 10 प्लस 9, 10 को हम लोग x लिखते हैं, और 9 को अभी बताएं बाबू, ix लिखते हैं, 9 को क्या लिखेंगे, ix लिखेंगे, तो 10 into ix हो गया। 20 बाबू, 20 को कैसे लिखना बाबू, 20 को 10 प्लस 10, डबल x सर, हाँ डबल x, चलो अच्छी बात है। एक 10 का x और दूसरा 10 का x, 21 है भोला, लिखते चलो 100 तक थको। 10 को 20 से करना, 10 को कैसे लिख, 21 है ना, तो 20 प्लस 1 करना, 100 तक, उसके बाद हम लोग 50,000, 60,000 सब तक लिखेंगे। 21 है ना, तो 21 को कैसे लिखोगे, 20 प्लस 1, 20 का क्या होता है सर, डबल एक्स होता है, अभी बताएं, और 1 का कितना होता है, आई होता, तो एक्स एक्स करोड़ का भी आप बताएंगे, अच्छा ठीक है, 1 करोड़ का भी बता देंगे, एक्स एक्स आई होता है। 22 है, 22 को कैसे, 20 प्लस 2 के टर्म में लिखना, जो नियरेस्ट होगा, तो 20 का कितना लिखोगे, डबल एक्स, 20 का डबल एक्स, और 2 का 2 गो आई, तो कितना हो जाएगा, एक्स एक्स डबल आई। ए दुर्गा, समझ में आता है जी दुर्गा? सर हाँ बोलिए सर, मैं तो सारे को डायरेक्ट लिख दी सर। अच्छा ठीक है लिखो, इसको नहीं ना आता है बाबू, क्या बोलते हैं इसको शरण्या को, 23 है, 20 प्लस 3 लिखना शरण्या, 20 का कितना लिखते हैं, डबल एक्स शरण्या, और 3 का क्या, 3 गो आई दे दो, तो डबल एक्स 3 गो आई लिखो शरण्या, लिखो बाबू यहाँ तक दादी। एयर गया दादी,
रज्ञा दादी कहाँ गप कर रही हो? रज्ञा दादी एकदम गप करने में लगी हुई जी, जल्दी लिखे बाबू। सर मैं डायरेक्ट लिखूं? हाँ लिखो डायरेक्ट, डायरेक्ट आता तो लिखो। सर मैं तो 40 डायरेक्ट लिख दीजिए सबने करके। हम लोग 1 से 100 तक के कंटिन्यूअस लिखेंगे, उसके बाद छोड़ छोड़ के लिखेंगे। सर जो आपने 16 से प्लस करना ऐड किया, हमें भी उसी से प्लस करना ऐड करना है क्या? लिख लो, प्लस करोगे तो ज्यादा समझ में आ जाएगा, है ना, कि कैसे आता है। ओके सर। नेक्स्ट बाबू। सर 15 में स्टार नहीं दिए। 15 में डिफरेंट सिंबल। सर बगल वाला मत दिखाइएगा। सर बगल वाला दिखाइए। 15 में स्टार हम क्यों देंगे? यहाँ पे यू सिंबल है ना, ऑलरेडी 10 पे दे चुके, 5 पे दे चुके, जो नया सिंबल आएगा उसी पे स्टार देंगे, समझा जी? 20 पे नहीं ना देंगे बाबू, 20 पे नया सिंबल नहीं ना आ रहा है जी, 20 पे ऑलरेडी एक्स है, तो एक्स 10 तो होता है ना जी, नया सिंबल नहीं ना, 20 में एक्स है, एक्स किसका है, 10 का, तो यूज सिंबल है ना। जैसे 50 पे देंगे, 50 का 50 होता तो एक डिफरेंट सिंबल एल होता, 100 का सी होता तो वहां पे देंगे, फिर 500 फिर 1000 पे देंगे, इतना ही है आपके पास। सर 1000 कौन से न्यूमरल नंबर में लिखते हैं? एम में बताते हैं उसको, दो ढंग से लिखेंगे, आएगा ना, दो ढंग से लिखेंगे, एम और आई बार। 24 है, 24 को कैसे लिखोगे? रोमन नंबर में 12 और 13 को 12 नहीं लिखा है बाबू, कैसे लिखोगे? नो सर वो तो मिटा दिए। अरे मेरे लाल, तो 12 है भोला, तो 12 को 10+2 लिखो, 10 का क्या होता है सर? एक्स। एक्स, और 2 का क्या होता है सर? 2i। हाँ तो एक्स आई आई, 12 का कितना हो जाएगा, एक्स आई आई। 13 है तो 10+3, 10 का एक्स और 3 का 3 गो आई, तो एक्स आई आई हो गया। ऐसा रनिया वीडियो ऑन करो बाबू, सरनिया 24 को कैसे लिखेंगे? 20+4, 20 को क्या, डबल एक्स, अब 4 को कितना, आई भी, तो एक्स एक्स आई भी। 25 है बाबू सरन्या, तो 20+5, ठीक, 20 को एक्स एक्स, अब 5 को भी, कितना हो जाएगा, एक्स एक्स भी हो जाएगा। सारे से पूछेंगे तब होगा। बताओ सर अनिया, 26 का जी, ए सर अनिया बताओ जी, अब सारे बताइए, चलो बहुत हो गया वो। ट्वेंटी प्लस सिक्स, 20 का कितना होता है सर, एक्स एक्स होता है, 6 का कितना होता है, भी आई होता है, तो एक्स एक्स भी आई। बताओ दुर्गा, 27 का बाबू, दुर्गा दुर्गा सर एक्स एक्स बी आई आई, वेरी गुड, 20+7, 20 का एक्स एक्स, 7 का भी आई आई, दो गो आई, तो एक्स भी, डबल एक्स भी आई आई। बताओ नीरज, 28 का कैसे लिखेंगे जी? नीरज 28 कैसे लिखेंगे जी? 28 सर, मैं बताऊं? आपका भी टर्न आ रहा है, बोलो नीरज। मैं कंप्लीट करके बैठा हुआ हूँ। एक्स एक्स डी डी ट्रिपल ट्रिपल आई सर, हाँ 20 हो गया, और 8 का कितना हो जाएगा, भी आई आई हो जाएगा।
बताओ नहीं अंकुश, 29 को कैसे लिखोगे? एक्स 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 आई एक्स हाँ, 20 का कितना सर? डबल एक्स, और 9 का कितना सर? आई एक्स, तो डबल एक्स आई एक्स। यू हैव टू राइट डाउन बाबू। सर मैं कर कर बैठ। वेरी गुड। सर अभिया वीडियो ऑन करो बाबू। तो सर मैंने तो 40 तक लिख के बैठी हुई हूँ। 30 तक कर दिया हूँ। अच्छी बात है, लिखा रियान। 35 तक कर दिया हूँ। सर मैं 40 तक लिख दिया। 40 तक लिखे, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। सर लिख ली सर विका, कहाँ तक लिखी बाबू? 50 तक हो गया। हो गया सर, 45 तक हो गया। चलो अच्छी बात है बाबू। कहाँ तक लिखा बाबू अभिनव? 33 तक। चलो अच्छी बात है, तैयारी आज करते हैं सब। सर मैं तो डायरेक्ट लिख सिखा रहे हैं बाबू, हम लोग पढ़ाते नहीं, हम लोग सिखाते हैं। मैथ को सीखो, पढ़ो नहीं। आपका स्कूल में पढ़ाई होता है, हम लोग पढ़ाते नहीं है, बच्चों को सिखाते हैं। 30 बाबू, 29 लिखे, 30 लिखेंगे। 30 को कैसे लिखोगे? 20 + 10 करोगे। 20 का कितना सर? डबल एक्स, और 10 का एगो और एक्स, तो कितना हो जाएगा? ट्रिपल एक्स हो जाएगा। ठीक, 31 हो गया। कैसे करोगे? अब 31 आएगा तो 30 + 1 करना, 20 + 1 नहीं करना है ना। ठीक, तो 30 को कितना? ट्रिपल एक्स, और 1 को कितना? आई, तो ट्रिपल एक्स आई। 32 बाबू, 30 + 2, 30 को कितना? ट्रिपल एक्स, और 2 को कितना? डबल आई, तो ट्रिपल एक्स डबल आई। 33, 30 + 3। चलो कौन बताएगा, कौन बताएगा? बोलो सरभ्या कितना होगा, बोले सरभ्या। सर होगा एक्स 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 1 1 1 मतलब आई आई। हाँ बोले। 30 का कितना सर? 3 गो एक्स सर, और 3 का कितना? 3 गो आई, कितना होगा? एक्स एक्स 3 गो आई। नेक्स्ट का मैं बताऊं? बता बता भोली बोलो। एक्स 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 हाँ एक्स 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 आई भी एक्स 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 आई भी। 35 कैसे करोगे? 30 + 5 करोगे है ना। बोलो एक्स 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 बी बी कितना हो जाएगा? एक्स 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 भी लिखो बोला। आर्यन सर मैंने 39 कर लिया हूँ। छत्तीस का कितना होगा आर्यन सर? क्या 36 का सर? ट्रिपल एक्स भी आई। वेरी गुड। जल्दी लिखो, बताओ सनविका। 37 का बोले सनविका। सर ट्रिपल एक्स सर 36 का। 37 का सर ट्रिपल एक्स बी आई आई सर ट्रिपल सर ट्रिपल एक्स बी आई आई। वेरी गुड, चलो लिखो जल्दी जल्दी लिखो। वो लिख लिया आर्यन। सर मैं तो पहले से 50 तक लिख। चलो सर बच्चा लिख लिया जी, लिख लिया था। सर मैं 42 तक लिखा। ठीक है इरेज करते हैं। 36 बाबू। सर 39 तक मैंने किया हूँ, 40 नंबर का मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। अच्छा ठीक है बता रहे हैं। सर मुझे 40 का पता है। नेक्स्ट बाबू 36 बाबू। 36 का कितना होगा? एक्स एक्स भी आई। 37 बाबू।
तीन गो एक्स अभी आई आई 38 देखो 30 प्लस 8 करोगे 30 का कितना सर, तीन गो एक्स और 8 का भी आई आई कितना हो जाए एक्स एक्स भी आई आई 39 बाबू 30 करो प्लस 9 करो एक्स आई एक्स एक्स सर डीआईवाई कर देंगे और 9 का आई एक्स हो जाएगा तो ट्रिपल एक्स 9.5 को डीआईवाई देंगे 9.5 को अच्छा ठीक है देखो 40 को बाबू हम अब शांति समझना 30 प्लस एक्स लिखेगा तो 30 का कितना लिखेगा तीन को एक्स और 10 का कितना करेगा एगो एक्स तो चार को एक्स हो जाएगा। तो आपको कल रूल बताए थे कोई भी रोमन न्यूमरल्स बाबू चार बार रिपीट नहीं होता। यस सर। आपको एक है ना रूल बताया था कि कोई भी रोमन न्यूमरल्स चार बार रिपीट नहीं होता। ऐसे लिखना क्या है, गलत है, इस तरह से हम लोग नहीं लिखेंगे, ये गलत है लिखना ना, गलत है लिखना, ठीक है ना। तो कैसे लिखेंगे सर, तो 40 में बाबू आपको कैसे लिखना है, 40 का ये गलत है बाबू, चार गो एक्स आ जाएगा ना, तो 40 का कैसे लिखोगे, 40 का ऐसे लिख दो 50 कर दो है ना, यहाँ पे बाबू माइनस 10 कर दो, ठीक। तो 50 का कितना होता L होता और माइनस है बाबू तो लेफ्ट साइड, माइनस करते तो लेफ्ट साइड होता है ना, आपको बताया था बाबू 40 में बाबू है ना, माइनस करेंगे तो छोटा नंबर आएगा उसको लेफ्ट साइड लिखेंगे, तो जो 50 है बाबू इसको कितना होगा XL होगा, ठीक। नेक्स्ट अच्छी बात है, इसको घेर लो ताकि याद रहे 40 का कितना होता है एक्सेल होता है, 40 का क्या होगा एक्सेल होगा, ये गलत है लिखना, ये गलत है ना। नेक्स्ट 41 का अब हमको करना है सर, तो 41 में वही करेंगे सर, 40 प्लस 1 करेंगे, 41 कैसे लिखेंगे 40 प्लस 1, 40 का कितना होता है सर एक्सेल होता है 1 का आई होता, तो एक्सेल आई हो जाएगा, लिखो जी 50 तक लिख दीजिए लिखा रहे लिखा समझे सर सनविका बाबू। यस सर। चलो धीरे धीरे तेज हो जाना बाबू, सबसे तेज हो जाना सनविका। यस सर अभी वीडियो ऑन करो जी। 42 का कितना होगा सर अभ्या दादी सर अभ्या सर दादी मत बोलिए सर। अच्छा ठीक सर, मैंने 50 हमारे यहाँ सब दादी है नानी है, अरे अज्ञा दादी लिख लिया बाबू नीरज अंकुश जिंदगी जी राजे निराकन कहाँ गप करे में लगल है जी नीरज अंकुश लिख लिया सर लिख लिया वेरी गुड बाबू सर, हेलो लिखा आर्यन आर्यन बाबू लिखे बाबू नेक्स्ट बाबू 42 का हम लोग कैसे लिखेंगे, चलो अब एक को सारे से बताओ 42 का बताओ सनविका कैसे लिखेंगे बाबू 40 प्लस 2 कैसे लिखेंगे सनविका बोलो बोले सर सर उसे x l i i i i कितना हो जाएगा x l i i 43 का बताओ सर अभ्या सर 43 का होगा x l और ट्रिपल i मेरा बच्चा अब तेज हो गया, अब किसी से डरेगा जी, टीचर से भी नहीं डरेगा, एक्सेल ट्रिपल आर आर आपका भी टर्न आर 44 बाबू बताओ थार अरे 10 को बच्चा हो सारे से 50 तक एंड कर बोलो थार 44 का 44 का हाँ सर एक्स आई डी XIV सर XL
एक्स एल आई भी कितना हो जाएगा 40 चार 44 45 का बताओ उत्कर्ष कितना होगा जी सर एक्सएल भी एक्सएल भी 40 + 5 40 का कितना होगा एक्सएल हो जाएगा अब 5 का कितना हो जाएगा भी हो जाएगा तो एक्सएल भी हो गया मैं 68 डन कर दी 46 कौन बच गया जी दुर्गा है? बता दे दुर्गा बता सरन्या बता बाबू सर मैं बताऊं बी आई हाँ 40 + 6 कितना हो जाएगा जी 40 का एक्सएल और भी 6 का भी आई बताओ आर्यन आर्यन बाबू बताओ 47 बाबू एक्सएल भी आई एक्सएल भी हाँ बाबू 47 का कितना यही जे करोगे जी एक्सएल भी आई बच्चा मेरा तेज हो गया 48 और कौन बच गया जी अभिनव बताओ वो 48 बाबू अभिनव 48 बता जी और वैसे रोमन न्यूमरल सबसे ज्यादा 48 का एक्सएल भी आई 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 हाँ 49 का अब कौन बताएगा 49 का बताओ बताओ नीरज अंकुश बताओ बोला 49 का सर हाँ एक्स एल हाँ आई एक्स हाँ 50 में स्टार मार दो 50 में कितना होता है सर एल होता है एल मेरा डिफरेंट लेटर तो 50 में स्टार मार देंगे 50 एल होता है ना लिखो वो इतना लिखो जल्दी से मैं 60 तक कर लिया हाँ तो 151 52 53 54 आप लोग कहाँ तक करके लाना 80 तक के कोई अथी नहीं है आप लोग को होमवर्क रहेगा बाबू डी आई बाई रहेगा 50 से बाबू कोई अथी दिमाग नहीं लगाना 89 तक के कोई माइंड नहीं लगाना 90 से हम बताएंगे तो 50 से 89 तक के आपको रोमन न्यूमरल्स लिखना ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है आपका होमवर्क डी आई भाई क्या 50 तक बताए ना 59 से 89 तक लिखना 90 से हम लोग डिस्कस करेंगे 90 से हम लोग डिस्कस करेंगे ना 51 लिखोगे एल आई 52 लिखो हाँ बाबू फिफ्टी से लेकर 89 तक के रोमन न्यूमरल्स लिखना इसको कंटिन्यू करोगे ना जी तो 51 52 फिर कहाँ तक जाना 89 तक जाना तो 40 + 5 अरे बाबू मेरे हम 50 तक करवाए ना जी बाकी 50 से 89 तक लिख के लाना और फिर 90 से कल हम लोग कंटिन्यू करेंगे यस सर ठीक है 90 से हम लोग कंटिन्यू करेंगे 100 200 400 10,000 20,000 50,000 है ना कंटिन्यू करेंगे आप 50 से 89 तक के करके लाना ये आपका होमवर्क हो गया डू इट योरसेल्फ हो गया सर अब मैं जा रहा हूँ अच्छा ठीक है ना एक्सप्लेन करके लिखो अच्छे से समझ में आ जाएगा ना एक्सप्लेन डायरेक्ट करोगे तो भी बच्ची हो गलत हो जाएगा एक्सप्लेन कर करके लिखो कर भेजना सर अन्यानी तो बहुत पीटेंगे बाबू नहीं भेजोगी तो कल बाबू बहुत ये पनिशमेंट देंगे उठा बैठी करवा देंगे जी समझी सर अन्या लीव हो जाए ठीक है जा बाबू बाय बाय बाबू गुड नाइट सर गुड नाइट बाबू समझ गई सनविका यस सर जो अकल मेरा डीआईवाई गलत